51 अंक जहाँ जहाँ गिरे धरती पर उस जगह पर शक्तिपीठ हुआ है। माता सती को तब बहुत गुस्सा आया तो उन्हें चेतावनी भी दी, फिर भी प्रजापति दक्ष ने एक ना सुनी। फिर उसके बाद माता सती ने क्या किया, अपने आप को अग्निकुंड में दाह कर। जय माता दी। दोस्तों कैसे आप सभी, फिर से स्वागत है आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल लेंसेबल ब्लॉग पे। दोस्तों मैं बता रहा था कि मैं आप लोगों को कामाख्या माता का दर्शन करवाऊंगा, तो मैं आ चुका हूँ। मेरे पीछे देख सकते ये जाने का रास्ता है कामाख्या गेट, तो चलिए दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। तो जा रहे हैं अभी मंदिर की तरफ, तो पूजा का सामान भी ले लेते हैं क्योंकि पूजा भी चढ़वाना है। नारियल चढ़ा दिया और श्रृंगार का सामान, सिंदूर दिया, फूल सिंदूर दिया, फूल श्रृंगार का सामान चाहिए। हाँ दे दीजिए। श्रृंगार कितना होगा? 260। ये श्रृंगार का सामान कितना बोले? 100। तो ले लिया है पूजा का सामान, तो जा रहे हैं अभी पूजा करने, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कामाख्या टेम्पल। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माँ कामाख्या देवी। कामाख्या माँ टेम्पल कितना अच्छा लग रहा है, रात का नज़ारा काफ़ी सुंदर है, देख सकते हैं। क्योंकि मैं आज चारों ओर से परिक्रमा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सकते हैं बहुत बड़ा घंटी है, उसको मैं बजाऊंगा अभी। देखिए देखिए वो ये वाला घंटी है काफ़ी बड़ा, तो मैं इसको बजाऊंगा। देखिए तो देखा दोस्तों कितना बड़ा घंटी था, मैंने बजाया अपने हिसाब से, काफ़ी बड़ा था घंटी वो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और पूजा देखकर भी काफ़ी अच्छा लगा, आशा करता हूँ सबका मनोकामना पूरी हो, आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन किया होगा। ये देखिए एक जोड़ा शादी की, आज शादी हुई है इनकी, नई नई देख सकते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं पूरी मंदिर की। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है यहाँ हमारी गुवाहाटी में, जो नीलाचल पर्वत में माँ है, यहाँ पर माँ का अंग गिरा था, योनि भाग यहाँ पर गिरा था कामाख्या को। थोड़ा सा मैं जितना जानता हूँ उतना बता देता हूँ, प्रजापति दक्ष माता सती के पिता थे, तो एक दिन प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ किया था
और यज्ञ करने के बाद माता सती को बुलाया गया था, पर महादेव को नहीं बुलाया था। उस टाइम सारे देवगण के सामने प्रजापति दक्ष यानी कि माता सती का पिता ने महादेव को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा था, और माता सती को तब बहुत गुस्सा आया तो उन्हें चेतावनी भी दी, फिर भी प्रजापति दक्ष ने एक ना सुनी। फिर उसके बाद माता सती ने क्या किया, अपने आप को अग्निकुंड में दाह कर दिया। तो उसके बाद जब महादेव को पता चला तो महादेव बहुत क्रोधित हो गए थे। तो क्रोधित होने के बाद तो माता सती का जो शव था वो पूरे ब्रह्मांड में लेकर महादेव घूम रहे थे, तो सारे देवगण सारे मतलब सब परेशान हो गए थे। तो उसके बाद सारे देवगण ने मिलकर एक फैसला किया कि ऐसे तो महादेव ऐसे ब्रह्मांड घूमते रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का जो शव था वो उसको 51 टुकड़े करके 51 अंक जहाँ जहाँ गिरे धरती पर उस जगह पर शक्तिपीठ हुआ है। माता सती का जहाँ जहाँ अंग गिरा है धरती पर उस जगह को शक्तिपीठ माना गया है। तो हमारे नीलाचल पर्वत यानी कि गुवाहाटी में कामाख्या में यहाँ पर माँ सती का योनि भाग गिरा था। तो जितना मैं जानता था मैं उतना बताया दोस्तों, तो अच्छा लगा होगा आप लोगों से। और दर्शन करते हुए मुझे रात हो गया, शाम को आया था क्योंकि बहुत भीड़ था ना इसलिए, और फिर पंडित जी से मिलकर मैंने पूजा करवाया। मैं बता देता हूँ दोस्तों, इस मंदिर के अंदर जाने से लिए बहुत दूर तक लाइन लगाना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ, बहुत दूर तक लाइन लगना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा लाइन लगना पड़ता है, ये तो थोड़ा सा है और भी आगे से लाइन होता है, फिर आगे से जाकर ऐसे जाकर फिर ऐसे जाकर फिर मेन मंदिर के प्रवेश द्वार में जाया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ कि जा पाता हूँ कि नहीं। बैड लक दोस्तों, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, जो अंदर गए हैं वही लाइन लग कर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर माँ जहाँ पर है शक्तिपीठ। तो मुझे आते आते ही लेट हो गया है, तो बाहर से ही मैंने दर्शन किया है, पूजा किया है, तो अच्छा ही लगा। तो दोबारा आएंगे तो फिर ज़रूर दर्शन करेंगे अंदर जाकर। तो कैसा लगा माँ का दर्शन करके, माँ कामाख्या का दर्शन करके? आशा करता हूँ आप सबको अच्छा ही लगा होगा, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है दर्शन करके। हो सकता है मैं अंदर नहीं गया, फिर भी बाहर से बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके दर्शन करके। तो अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।